I'm Sadia Siddiqui. And I am going to share a beautiful story with you. Actually, my friend ki shaadi hone wali thi. और मैंने गरारा कमीज पहनने का डिसाइड किया था और इट वाज अ वेरी ट्रेडिशनल लखनऊ स्टाइल गरारा कमीज. तो मैंने कहा अब गरारा कमीज पहन रहे हैं तो टीका तो पहनना पड़ेगा. और मेरे पास टीका नहीं था, मैचिंग टीका. आई ऑब्वियसली कुड नॉट वेयर अ पिंक टीका विद एन ऑफ वाइट गरारा कमीज. सो आई सेड ओके, आई विल गो टू द मार्केट एंड आई विल गेट वन. सो आई वेंट टू द सांता क्रूज मार्केट और वहाँ पे एक ज्वेलरी शॉप में मैं टीके देखने लगी. तो मुझे पसंद आ रहे थे, नहीं आ रहे थे. I am also very finicky. There's another shop adjacent to this shop, so I said वहाँ पे भी जाके देख लेते हैं कि क्या है. तो तीन चार जितनी भी शॉप है सब में देख के फिर एक बेस्ट वाला सिलेक्ट करना होता है. So I go to the other shop and I am looking at tikas and I don't like anything over there. But I liked one nose pin. So I said चलो यहाँ से मैं nose pin ले लेती हूँ, वहाँ से वो वाला टीका ले लेती हूँ and I am set. मैंने कहा ठीक है, आई बाय दिस एंड आई गो गेट इन टू माई पर्स एंड आई रियलाइज दैट माई वॉलेट इज नॉट इन माई पर्स एंड आई एम लाइक वेयर इज माई वॉलेट, इट वॉज इन माई पर्स एंड आई पैनिक्ड बिकॉज दिस हैज नेवर हैपेंड टू मी बिफोर. सो आई वेंट बैक टू द फर्स्ट शॉप एंड आई सेड कि मेरा पर्स मेरा वॉलेट तो नहीं यहाँ रह गया. उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने काफी ढूंढा भी, किसी को नहीं मिला. पर ऐसे नहीं, यही होगा, आपके यहाँ अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उसका फुटेज दिखाइए मुझे. तो उन्होंने कहा ये फुटेज तो सारा रिकॉर्ड होके ऑफिस में चला जाता है, तो अभी फॉरन हम आपको नहीं दिखा सकते, हमें ऑफिस से मंगाना पड़ेगा. एंड आई स्टार्ट पैनिकिंग एंड आई वाज वेरी स्केर्ड बिकॉज उसके अंदर मेरा लाइसेंस था, मेरा पैन कार्ड था और इलेक्शन कार्ड, ऑल दोस कार्ड्स. तभी मेरा फोन बजा और मैंने कहा हेलो. तो उस तरफ से आवाज ने कहा कि आपका वॉलेट गुमा है. फॉर अ सेकेंड आई फेल्ट आई एम इन अ साईफाई मूवी एंड आई एम बीइंग प्लेड. इज दिस अ प्रैंक? व्हाट इज गोइंग ऑन? आई सेड हु इज दिस, हाउ डू यू नो दिस? तो ने कहा हम पुलिस बोल रहे हैं, आप आ जाइए मिठीबाई कॉलेज के पास जो पुलिस स्टेशन है वहां है आपका वॉलेट. एक्चुअली आई नेवर न्यू मिठीबाई कॉलेज के पास कोई पुलिस स्टेशन भी है. तो मैंने कहा वहां कैसे चला गया मेरा वॉलेट, मैं सांता क्रूज में हूँ. और ये सब कुछ आई थिंक विद इन 20 to 25 minutes में हुआ है. इट वॉज सो क्विक. सो आई रश टू द पुलिस स्टेशन, आई एंटर्ड एंड देर वॉज अ कॉप सिटिंग ऑन द राइट. सो आई एम लाइक मेरा वॉलेट? तो बोले हाँ ये आपका वॉलेट है. मैंने कहा हाँ ये मेरा वॉलेट है. मैंने खोला, पैसे गायब थे लेकिन सारे कार्ड्स थे उसमें. आई सेड थैंक गॉड मेरे कार्ड्स आर हियर. मैंने कहा कैसे मिला आपको, कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा रास्ते पे पड़ा हुआ था और इनको मिला करके उन्होंने एक तरफ हाथ बढ़ाया और वहां पे कुर्सी पे एक लड़का बैठा हुआ था, वेरी सिंपली ड्रेस्ड. ही वाज जस्ट सिटिंग देयर. आई डिडंट इवन नोटिस हिम व्हेन आई वॉक्ड इनटू द पुलिस स्टेशन. उसको सड़क पर ये वॉलेट दिखाई दिया और कोई और इस वॉलेट को उठा के देख रहा था. तो ही अप्रोच दैट मैन एंड ही सेड क्या हुआ, किसका वॉलेट है? तो उसने कहा कि पता नहीं सड़क पे मिला है मुझे. तो उसने खुद वॉलेट देखा, उसमें पैसे गायब थे सारे, पर उसमें मेरे कार्ड्स थे और मेरे फोटोग्राफ्स थे और जिस स्टूडियो से मैंने खिंचवाए थे उसके लिफाफे में थे. वहां पे उसने फोन किया, सीरियल नंबर दिया और उसने कहा कि सीरियल नंबर की क्लाइंट का आपके पास फोन नंबर है तो मैं उनको फोन करके बोल सकता हूँ कि उनका वॉलेट यहाँ मिला है, मुझे मिला है. एंड दे सेड ओके दिस इज अ वेरी ओल्ड डेटा एंड वी डोंट कीप ओल्ड डेटा, सो व्हाट यू डू इज यू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड जस्ट सबमिट द वॉलेट. तो इस तरह से वो पुलिस स्टेशन में मेरा वॉलेट लेकर आया. I was really surprised to know that this boy actually called the studio. He took all the pains to do that. I met this boy and I said, "Thank you very much. आपने मतलब आपने पुलिस स्टेशन तक मेरा वॉलेट लेकर आए." उसने कहा इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो हर एक को करना चाहिए. And I'm like, हर एक करता नहीं है ऐसा, आपने किया है. Actually, I felt this is magic. That day, I was feeling a little low. And I was talking to like the cosmic energy that. Like, can't God, can't you just show me some magic? Can't you show me that you care about me? Yeah, I lost my money, but I gained an experience and I gained the connection with this boy. There are nice people and they do what is right, and I think this is the magic which should happen in your life and you feel yes that you're not alone.
you are being looked after. In fact, I went to the shop after 3-4 days and I saw the footage, the CCTV camera footage, and I found how smartly these women who had come into the shop and they had just, you know, they were just all around me, and how she stole my wallet. So the whole story was there in the footage, but maybe they needed more than me. I did get the tikka and I did go to my friend's wedding dressed up in gharara kameez, and it all worked out well.